26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर जहां पंजाब के अलग अलग गांव में तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मोगा के गांव महेसरी के बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर दिल्ली जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मासूम बच्चों का कहना है कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, ये कानून किसानों के लिए काले कानून है। वहीं मीडिया के जरिए लोगों से बच्चों ने अपील की कि वह 26 जनवरी को दिल्ली जरूर पहुंचे। असी सारे ने आज काले कानून रद्द कराने लई आज साइकलों ते झंडे ला के पिंड विच रैली कढ़ी है कि काले कानून रद्द हो जाण ते आपां सारे ने 26 जनवरी नूं दिल्ली पहुंचना है। गांव के युवाओं का कहना है कि यह कृषि कानून लागू कर केंद्र सरकार ने फसलों पर नहीं आने वाली नस्लों पर हमला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इन बच्चों की तमन्ना थी कि जैसे इनके पिता, चाचा और रिश्तेदार आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक उसी तरह वो भी आंदोलन का हिस्सा बने। एक और जहां किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक सभी दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, इस बीच अब सबकी निगाहें 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, भारत।